वेलकम गाइस, ये देखिए आज अपने पास आया है ये जॉय कंपनी का ओल्फ गाड़ी आया है। हमने बोला था आपको पिछले वीडियो में, हमने डीलरशिप लिया है तो हमारा ऑथोराइज जॉय का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है अपना। हमारे तो सब मल्टी बाइक का सर्विस भी होता है और जॉय का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है। ये अपना पहला जॉय का सर्विस के लिए गाड़ी आया है। अभी तक सेल तो बहुत हुआ है लेकिन सर्विस के लिए थोड़ा टाइम लगता है गाड़ी आने के लिए, कुछ कुछ कस्टमर भूल जाते हैं। सर्विस में हमें क्या करना है, अभी गाड़ी में तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गाड़ी का वर्किंग अच्छा है। मैंने टेस्ट ड्राइव करके देखा, टेस्ट लेके देखा, गाड़ी का बराबर चल रहा है। अभी तक रनिंग हुआ है उसका 600 किलोमीटर, 600 के आसपास हुआ है कुछ, मैं दिखा था आपको मीटर पर। 1000 किलोमीटर पर पहला सर्विस रहता है और नहीं तो अपना 1.5 महीना, तो अभी 1.5 महीना हुआ है गाड़ी लेके। तो कस्टमर आया है अपने पास सर्विस के लिए, इसमें सर्विस के लिए क्या होगा, उसका जनरल चेकअप हो जाएगा गाड़ी का, इलेक्ट्रिक चेकअप हो जाएगा गाड़ी का, आपका ब्रेक पैड आगे पीछे का ब्रेक पैड क्लीनिंग हो जाएगा, गाड़ी वॉश होके आपको मिलेगा। ये गाड़ी का ये हुआ, मैं आपको दिखा दूँ कैसा आपको इसका ब्रेक पैड क्लीन करना है, क्या करना है वो सब दिखा दूँगा, जनरल चेकअप भी दिखा दूँगा मैं कैसा करना है वो गाड़ी का। ये देखिए ऊपर का और नीचे के दोनों बोल्ट निकल गए, आप उनको ये ब्रेक पैड बाहर निकलना है। ये बेसिक सर्विस जो क्या होता है वो दिखाता हूँ, खाली इसको चेक करना है और ये सब खोल के तो खोलता हूँ। उसके बाद में इधर का दो बोल्ट निकल लगा है, ये दो बोल्ट, बोल्ट निकल के ब्रेक पर बाहर निकल और इसको क्लीन करना है। ये देखो रस्टी है, वो सब रस्ट निकाल देना है, उसको खाली क्लीन करना है पॉलिश पेपर मार के और इसको ऑयल मार के इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, क्योंकि थोड़ा सा उसका पिस्टन ये जो है वो अंदर जाने चाहिए, जो ऊपर जो अंदर जो ब्रेक ऑयल रहेगा वो ऊपर टैंक में जाएगा इधर से दबाने के बाद। इधर रस्ट नहीं लगना चाहिए, इसके लिए ऑयल लगाना है, उधर ऑयल ग्रीस लगा के रख देना है। देखो ऐसा मंकी प्लग पकड़ से अगर आप इसको दबाएंगे तो अंदर जाएगा, देखो धीरे धीरे दबाना है, जोर से दबाएंगे तो ऊपर से ब्रेक ऑयल बाहर आएगा, इतना ही दबेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अभी इसको क्लीन करना है, ये आपको हाइड्रिन करते हैं वैसा ऐसा क्लीन करना है। उसके बाद में इधर इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस भर देना है, क्योंकि ये डायर रहेगा, ग्रीस नहीं भरा रहेगा तो क्या होता है, ये जो मेटल है इसको रस्ट लगता है और उसमें जाम हो सकता है। ब्रेक पैड देखो मैंने क्लीन करके लिया है, अभी इसको बिठाना है। सब देखो इसको ऑयल लगा के लिया है, बोला मैंने था आपको कि ऑयल इसको ग्रीस लगा के लेना है और इसको अंदर भी थोड़ा सा ग्रीस डालना है, क्योंकि इसको बारिश के टाइम में कैसा मेटल है उसको रस्ट लगता है, वो रस्ट नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसको ग्रीस लगाना ज़रूरी है, नहीं तो रस्ट लग के वो जाम भी हो सकता है। अपना पहला ब्रेक पैड क्लिप में बिठाना है और जब भी ऐसा होता है फर्स्ट टाइम आप ब्रेक पैड क्लीन करते हो तो उसका जो पिस्टन पे कौन सा बाजू दिखता है, देखो रिंग, ये जो पिस्टन का निशान आया है वो वही साइड में लगाना है, नहीं तो आवाज़ वगैरह देगा। छोटा छोटा चीज़ हमारी वीडियो में आपको बहुत सारा सीखने मिलेगा, क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं ये छोटा चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि छोटा चीज़ नहीं बताए तो कस्टमर क्या करते हैं, अपने टेक्नीशियन लोग क्या करते हैं, नए नए सीखने वाले हैं वो डायलेक्ट डाल देते हैं और फिर आवाज़ चालू होते हैं, डबल काम होता है, फिर से काम करना पड़ेगा। फिर इसको भी ऑयल ग्रीस लगाना है क्योंकि वो रस्ट लगना नहीं चाहिए इसके लिए। और इसको ये कैसा होता है, छोटा छोटा थ्रेड रहता है इसका, ये कभी कभी इसके अंदर जाम हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप खोलेंगे तभी वो खोलने के लिए आसान गिरेगा, तो ज़्यादा जाम नहीं होगा, अपना बोल्ट स्लिप नहीं होगा ऊपर से, फिर इसलिए ग्रीस लगा के डालेंगे तो अंदर रस्ट नहीं लगता, इसलिए ग्रीस डालना है इसके अंदर। ये देखिए तो मैंने तो आपको ब्रेक का सर्विस दिखा दिया है ये गाड़ी का,
वैसे से मैंने पीछे का भी ब्रेक का काम करके लिया। अभी गाड़ी वॉश भी छोड़ के आया है, तो अब एक थोड़ा सा वॉश करने के बाद फिर बाद में उसका एक जनरल चेकअप होगा गाड़ी का, क्योंकि उसमें लाइट इंडिकेटर सब वो देखा जाता है। क्योंकि कैसा होता है कभी कभी पहले अपन जनरल चेकअप किया तो पानी मारने के बाद भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए गाड़ी धोने के बाद ही चेकअप करेंगे तो आपके लिए सही अच्छा है। तो चालू करता हूँ मैं गाड़ी, गाड़ी का बैटरी तो डाउन है पूरा। तो आपका हेडलाइट चालू करता हूँ मैं, हेडलाइट तो चालू है, अपर डिपर ओके है। इसके बाद में इंडिकेटर, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दोनों भी चालू है, तो देखना है अपन को इंडिकेटर भी चालू है, साइड का भी चालू है, पीछे का भी चालू है। उसके बाद में हॉर्न देखा जाता है, ये सब चेक करने के बाद अभी तो बैटरी डाउन है। ये तो बैटरी फुल करने के बाद कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा करते हैं अभी डाउन है इसलिए कम से कम 4 घंटा, तो उसको 4-5 घंटा लगेगा फुल चार्जिंग होने के लिए, तो अभी चेक करके मतलब नहीं है। जब भी बैटरी फुल रहता है तो भी बैटरी का भी चेकअप होता है, उसका वोल्टेज चेक किया जाता है। ये अपना लो स्पीड गाड़ी है, बता दूँ मैं आपको और कुछ प्रॉब्लम रहेगा दूसरा कौन सा गाड़ी आएगा तो उसका नया नया जो काम क्या होगा वो मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू गाइस, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करो, क्योंकि हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। आपने हमें सपोर्ट किया तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं।